आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कबीर क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो चाहे एनसीईआरटी सिलेबस हो चाहे राजस्थान बोर्ड का सिलेबस, उन सिलेबस के जो पीडीएफ बुक्स हैं उनको कहां से डाउनलोड करें, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों के मन में शंका। हालांकि इसके लिए मैं पूर्व में भी वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जो एनसीईआरटी सिलेबस की पुस्तक डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी सिलेबस को ही सीबीएसई बोर्ड अपने विद्यालयों के अंदर अध्ययन करवाता है, और यूपी, बिहार और एमपी जैसे काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं जो अपने सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ही लागू किए हुए हैं और उनका ही अध्यापन कार्य करवाते हैं। तो राजस्थान बोर्ड ने जो सत्र 2020-21 था उसमें कक्षा 1 से 9 और कक्षा 11 में एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया था, और ये सिलेबस राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। और जबकि इस साल, हालांकि अब तक राजस्थान बोर्ड ने इसका अपडेट नहीं किया है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने बता दिया, ये नेक्स्ट ईयर ही सत्र 2020-21 में ही बता दिया था कि हम सत्र 2021-22 से कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू करेंगे। इससे संबंधित मैंने कक्षा 10 और 12 के अलग अलग वीडियो भी बनाकर अपडेट कर रखे हैं कि जैसे कक्षा 12 के इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी आदि, इंग्लिश आदि में कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़नी है इस बार, और कक्षा 10 के भी ऐसे ही है, हिंदी के हैं, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, गणित है, उनके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। कक्षा 12 के आपको सारे वीडियोस जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी 58 उस पर मिलेंगे, और कक्षा 10 के वीडियो वो इसी चैनल पर कबीर क्लासेज 58 पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज इसके माध्यम से मैं आपको पीडीएफ कैसे, क्योंकि कई सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण उन तक पुस्तकें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो एक वन क्लिक के अंदर वो किस तरीके से पुस्तकें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल जैसा कि आप देख रहे हो सामने आप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपको ये सर्च करना है, ये वाला नाम गूगल में या क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर, उस ब्राउजर में जाकर के आपको कबीर क्लासेस 58 नाम क्या करना है, आपको सर्च करना है। और इसको जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ थोड़ा वेट लग रहा है, क्योंकि मैं गांव में आया हुआ या नेट की स्पीड कम है और थोड़ी इतने दिनों तक तबीयत ठीक नहीं होने के कारण भी आपसे रूबरू नहीं हो पाया था और वीडियो आपके सामने में लेकर नहीं आ पाया था। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना, ये जो नाम ध्यान रखना कबीर क्लासेज 58, ये इस आइकन को ध्यान रखना और फिर कबीर क्लासेज 58.blogspot.com, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये ऐसे आपके सामने खुल जाएगा और आपको फिर इसको थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा आप नीचे आओगे यहाँ देखोगे ये वाली चीज़ आपको देखनी है, एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ इन हिंदी कक्षा 6 से 12। वैसे इनमें मैंने दोनों तरीके से आपको बता रखा है, कक्षा 6 से 12 की वन क्लिक पर आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और कक्षा 1 से 12 की भी जो एनसीईआरटी वेबसाइट है उसके माध्यम से भी, वहाँ से भी मैंने एक लिंक पर आपको क्लिक, तो दोनों तरीके मैं बता दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को जैसे आप इसके अंदर जब देखोगे, इसको ओपन करोगे, तो ये पूरी पोस्ट आपके सामने खुल जाएगी, है ना, ये आप पूरा देख सकते हो, इसको रीड भी आप कर सकते हो। अब मैंने इसमें से कुछ बुक्स के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये कक्षा 10 के, कक्षा 12 के मैंने डाल रखी है, जैसे कक्षा 10 की यहाँ सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, ये आप देख सकते हो यहाँ से डाउनलोड कर, इस पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड हो जाएगी ये पूरी बुक्स। जैसे भूगोल की करनी थी, इस पर आप क्लिक करोगे आपकी डाउनलोड हो जाएगी ये बुक्स। आपके जो जो सत्र कौन सा है, जो 2019-20 की हैं पुस्तकें, या कह सकते हो 2018-19 की भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये पुस्तकें पूरा सिलेबस है जो एनसीईआरटी ने पहले कक्षाओं में चलता था। इस बार जो बोर्ड की वेबसाइट पर 2021-22 का सिलेबस एनसीईआरटी ने अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये तब अपलोड होगा,
क्योंकि अभी तो नया सेक्शन जुलाई में प्रारंभ होना है, तो जब भी नया सेक्शन प्रारंभ होगा वो लेट होता है कोविड के कारण, तब उस सिलेबस में कुछ कटौती वगैरह करके जारी करेगी। और जो अभी साइट पर जो सिलेबस है वो मैंने आपको, उस साइट पर कहाँ से जाओगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, और कैसे डाउनलोड करोगे वो भी पूरा डिटेल से आपको बताऊँगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन धैर्य पर देखें, और इस चीज़ को और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी शंकाएँ क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ पर 2020-21 का सिलेबस है। तो 2020-21 में NCERT ने कुछ सिलेबस कम किया था, वो किसके लिए कम किया था, CBSE के लिए कम किया था। तो जैसे आप राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहे हो तो राजस्थान बोर्ड ने हो सकता है कुछ सिलेबस कम किया हो, या इस बार भी 2021-22 में सेक्शन में कम करेगा, वो बाद की बातें। तो अभी आपको पूरा सिलेबस देखना और पूरा सिलेबस ही आपको पढ़ना है। इसके लिए मैंने ये जो सिलेबस आपके जो डाल रखे हैं ये 2019-20 के आपके सिलेबस हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको जैसे राजनीतिक जो नागरिक शास्त्र कक्षा 10 की, इसको डाउनलोड कर सकते हो। कक्षा 10 की ये जो गणित की मैथमेटिक, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी की जैसे ये कृतिका 1 डाल रखी, बाकी भी यहाँ डाल दूंगा। ये साइंस की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वैसे सभी बुक्स में धीरे धीरे यहाँ पर डाल दूंगा, और यहाँ से आप इनको क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर आपको ये लिखा है NCERT बुक्स का फुल एक्सप्लेन अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ क्लिक करना है। मतलब जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, अभी जो इतिहास की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, पहले पार्ट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो पुस्तक के पीछे दिए गए प्रश्न प्रोजेक्ट वर्क सहित मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, उसको इस चैनल पर जाकर देख लीजिए। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगा। फिर ये कक्षा 12 का है, तो कक्षा 12 का ये जो सिलेबस है, तो यहाँ मैंने अभी तो सिर्फ इतिहास का यहाँ दे रखा, इतिहास के जो तीनों पार्ट्स हैं वो तीनों पार्ट्स यहाँ दे रखे। बाद में यहाँ पर मैं भूगोल और राजनीति विज्ञान और हिंदी वगैरह उनका भी यहाँ दे दूंगा। अब अगर आपको NCERT बुक्स की जो 2021 का सिलेबस था, तो उसके लिए आपको कक्षा 1 से 12 की पुस्तकें आपको पढ़नी है या डाउनलोड करनी है, तो ये लिखा यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करते ही सीधा इस NCERT वेबसाइट पर चले जाएंगे आप। फिर आपको क्या करना है, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ आपकी लिखी हुई सिलेक्ट क्लास, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करके आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे कक्षा 10 सेलेक्ट करना है, तो मैंने 10 सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके नीचे वाला ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी आपका विषय क्या है वहाँ से सिलेक्ट करना। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, आपका विषय सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी विषय सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसमें से जो भी विषय आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक बताऊंगा अभी साइंस की बुक्स का, ठीक है ना, ये साइंस मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको इस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करना, सिलेक्ट बुक टाइटल, मतलब क्या है, आपकी जो बुक्स है वो तीन भाषाओं के अंदर दी गई है। जैसे ये साइंस लिखा ये इंग्लिश भाषा में, ये विज्ञान लिखा ये हिंदी भाषा की पुस्तक है, और यहाँ तो ये उर्दू लिखा ये उर्दू भाषा की पुस्तक है। तो जिस भी भाषा में आपको पुस्तक डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक करना। जैसे मुझे हिंदी में करना, तो मैं विज्ञान पर क्लिक करूँगा, और फिर यहाँ छोटा सा आप देख रहे हो ये गो बटन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपके सामने सारी बुक्स आ जाएगी, और इस बुक्स का आपको पूरा चैप्टर के हिसाब से क्या कर पाओगे, आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये विज्ञान की पुस्तक, इसका फ़ोटो आ चुका है, कैसा फ़ोटो है, इधर साइड में आपके ये पूरे यहाँ पर देखो चैप्टर आ चुके हैं। और आपको अगर पूरी पुस्तक एक साथ डाउनलोड करनी है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना, आपकी पूरी पुस्तक भी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की आपकी सभी NCERT पुस्तक, जो इस बार राजस्थान बोर्ड भी यही पढ़ाई होगी इस बार, तो उनके लिए भी यही पुस्तकें हैं, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। कक्षा 10 की मैंने सारे समझा दिए, और कक्षा 12 की भी मैंने सारी पुस्तकें कौन कौन सी आपको सिलेबस में पढ़ ली वो भी समझा दी। तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, चैनल पर जाकर देख लीजिए। कक्षा 10 के लिए कबीर क्लासेज 58, और कक्षा 12 के लिए स्टडी 58 पर जाकर देख लीजिए। और यहाँ इस चैनल पर कक्षा 10 की मैं जैसे इतिहास की पुस्तक का चल रहा है, फिर धीरे धीरे ये सभी पुस्तकें पढ़ाने के बाद यहाँ गणित वगैरह सारी पुस्तकों का मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो इस चैनल से जुड़े रहें, और चैनल पर पहली बार आएँ और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ।